सो स्टूडेंट, आज के प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए बोला है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। तो जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज में इक्वेशन दिया हुआ होगा और उस इक्वेशन में अगर एक्स और वाई की टर्म्स होगी, एक्स और वाई की टर्म्स, तो यहाँ पे मैं रब करके लिखता हूं, जब भी आपको एक्स और वाई की टर्म्स होगी दिए हुए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के प्रॉब्लम में, तब वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स आपका रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी का वो प्रॉब्लम होता है, रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी का। और रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी में आपको रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस करना होता है, ध्यान से देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स ये रिप्लेस करना होता है माइनस आपको डीएक्स अपॉन डी वाई। सो ये आपको रिप्लेस करना होता है रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी में। रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का एक पार्ट है और जब भी आपको इक्वेशन में एक्स और वाई की टर्म्स होगी तो वो प्रॉब्लम होता है आपका रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी का। और रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी में आपको रिप्लेस करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स ये रिप्लेस करना होता है आपको माइनस dx अपॉन dy। और इसमें आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, हमेशा आपको इसमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये प्रॉब्लम रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी का है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई इक्वेशन में, तो और आपको रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी के प्रॉब्लम में डिफरेंशिएट हमेशा करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है हमेशा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको डेरिवेटिव का भी रूल समझ लीजिए, जब भी आप एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे तब वो डायरेक्टली आप लिखोगे एक्स का डेरिवेटिव, और जब आप वाई का डेरिवेटिव लिखोगे तो आपको पहले वाई का डेरिवेटिव लिख लेना है और डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों रूल आपको याद रखने, एक्स का डेरिवेटिव जब आप लिखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, वाई का डेरिवेटिव जब आप लिखोगे तो आपको पहले वाई का डेरिवेटिव लिखना है और बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स प्लस टू, टू एज इट इज, देन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स टू वाई, राइट ना, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको लिखना है डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से वाई का डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे तब वाई का डेरिवेटिव तो लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, ऐसे। और आपको सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव मीन्स कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वायर मीन्स कॉन्स्टेंट, तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना है जीरो, राइट। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू एक्स, राइट, तो मैंने यहाँ पे रूल में बताया कि एक्स का हमें डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली मैंने डेरिवेटिव लिखा है टू एक्स प्लस टू एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है टू वाई, और वाई का डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, सी स्क्वायर मीन्स कॉन्स्टेंट होता है सी, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है जीरो। और अब हम रिप्लेस करते हैं, अब हम रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी का है, तो रेक्टेंगुलर ट्रैजेक्टरी में हम रिप्लेस करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, डी वाई बाय डी एक्स को क्या रिप्लेस करना है हमें, माइनस डी एक्स बाय डी वाई। तो देखिए यहाँ पे ये टू एक्स है प्लस ये टू इंटू टू वाई, तो यहाँ पे टू इंटू टू वाई, राइट, और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स की जगह हम लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स की जगह हम लेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये प्लस टू एक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस टू एक्स, ये प्लस टू एक्स इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस टू एक्स, तो ये टू, देखिए टू एज इट इज, ये टू वाई भी एज इट इज, और यहाँ पे है
माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई भी एज इट इज राइट। तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा कैंसल, ये टू और ये टू भी क्या होगा स्टूडेंट कैंसल। देखिए ना ये माइनस और ये माइनस कैंसल, ये टू और ये टू भी कैंसल, तो यहाँ पे बचा स्टूडेंट टू वाई, टू वाई और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई राइट इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा सिर्फ टर्म्स आपकी एक्स की राइट, एक्स की टर्म। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट डी एक्स है, ध्यान से देखिए यहाँ पे डी एक्स है तो मैं डी एक्स लिखूंगा ध्यान से देखिए, और ये डी एक्स है और अपॉन पे क्या है यहाँ पे डी वाई, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स देखिए एक्स एज इट इज ओके, ये अपॉन पे डी वाई तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड पे डी वाई तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा मल्टीप्लाई राइट, और ये टू वाई यहाँ पे एज इट इज, ये टू वाई यहाँ पे एज इट इज देखिए ये टू वाई, टू वाई डी एक्स, डी एक्स ये डी वाई यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा मल्टीप्लाई, और आसान भाषा में डी वाई इक्वल्स टू के इस साइड में नीचे तो इक्वल्स टू के इस साइड में आते ये हो जाएगा ऊपर यहाँ पे। अब आपको क्या करना है एक्स एक साइड में वाई वाई के साइड में, तो देखिए डी एक्स एज इट इज एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई पे वाई को इक्वल्स टू के इस साइड आते हो जाएगा डिवाइड, और ये डी वाई एज इट इज ये टू वाई डी एक्स को मल्टीप्लाई पे तो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा वो डिवाइड पे राइट। समझ में आया स्टूडेंट क्या क्या हमने देखिए एक्स यहाँ पे ऊपर है इक्वल्स टू के इस साइड में आ जाएगा नीचे, यही लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, और ये टू वाई यहाँ पे ऊपर है इक्वल्स टू के इस साइड में आ जाएगा वो डी वाई के नीचे मीन्स डिवाइड। अब एक्स एक साइड में वाई वाई साइड में, जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करें एक्स एक साइड में राइट और ये वन अप ये टू एक साइड में लेते हम और इंटीग्रेशन में डी वाई अपॉन वाई ऐसे, मतलब देखिए ना एक्स एक साइड में वाई वाई साइड में तो इंटीग्रेशन ले लेंगे हम दोनों साइड में, तो डी एक्स अपॉन एक्स ये टू मीन्स वन बाय टू एक कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते इंटीग्रेशन में हम डी वाई अपॉन वाई लेंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट वन अपॉन एक्स का मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान में रखिए, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है याद रखिए, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे वन बाय टू, डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई राइट। सो दोनों जगह एक्स को लॉग है वाई को भी लॉग है तो आप कांस्टेंट लेते वक्त कांस्टेंट को भी आप लोगे लॉग राइट स्टूडेंट, देखिए लॉग एक्स है और ये डी वाई अपॉन वाई का लॉग वाई, तो एक्स को भी लॉग है वाई को भी लॉग की टर्म है, तो इंटीग्रेशन में लेते कांस्टेंट, कांस्टेंट लेना होता है सी, मगर दोनों को लॉग है तो सी को भी आप दे सकते हो लॉग ओके, आप दे सकते हो लॉग। तो देखिए यहाँ पे लॉग एक्स एज इट इज इक्वल्स टू लॉग के पहले अगर वन बाय टू होगा, लॉग के पहले अगर वन बाय टू होगा तो वन बाय टू ऑफ इस वाई को दे सकते हो स्टूडेंट, लॉग के पहले अगर वन बाय टू होगा तो ये लॉग के पहले अगर वन बाय टू होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग के बाद में जो भी टर्म होगी उसके पावर पे आप दे सकते हो और प्लस लॉग सी। तो यहाँ पे लॉग एक्स एज इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी लॉग है यहाँ पे भी लॉग है दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ पे भी लॉग है यहाँ पे दो लॉग के बीच में अगर प्लस होगा तो आप एक ही बार लॉग लीजिए, एक ही बार लॉग लीजिए, अगर दो लॉग के बीच में अगर प्लस होगा तो आप एक ही बार लॉग की टर्म लिखिए और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है वाई रेस टू वन बाय टू इन टू यहाँ पे क्या है सी, ऐसा आप लिख सकते हो स्टूडेंट। कब ऐसा लिख सकते हो जब दो लॉग के बीच में अगर प्लस होगा तो आप एक ही बार लॉग लीजिए लॉग, और लॉग के बाद में जो पहली टर्म है वाई रेस टू वन बाय टू इन टू करके ये दूसरी लॉग के पहले की टर्म है लॉग के बाद की टर्म है वो आप इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो जब दो लॉग के बीच में प्लस होगा तब, तो ये लॉग और ये लॉग हो जाएगा कैंसल, तो आपको मिला एक्स इक्वल्स टू वाई रेस टू वन बाय टू वाई रेस टू
1 by 2 into C student. Okay. So, this is your final answer student. यही आपको दिए हुए problem में find करने के लिए पूछा है.